हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। इंतजार की घड़ियां भी समाप्त। मैं एमएल चौधरी एसटी ट्यूटोरियल से बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पार्ट 6 की। दोस्तों, मैं बेसिकली एसएससी का ट्यूटर हूं। पिछले 5 या 6 साल से मैं एसएससी को पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस बार जैसे ही बच्चों के लिए 1-2 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। बच्चे लगातार मुझसे पूछते रहते हैं, सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माँ आपकी चिंता और सोच दोनों से आगे और दोनों से तेज, बहुत जल्द आपके लिए सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा। जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट है, उनको तो मैं बहुत कुछ उपलब्ध करा पाऊँगा, लेकिन जिनका एग्ज़ाम थोड़ा सा 12 या फिर 19 को है, उनके लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगा कि उनको सारा कंटेंट मैं उपलब्ध नहीं करवा पाऊँगा। लेकिन जो मेरा ग्लोसरी का वादा था, वो और ट्रांसफॉर्मेशन लेटर राइटिंग, ये 3 चैप्टर के लिए आप मुझ पर डिपेंड रह सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम 12 तारीख को है, उनके लिए भी मैं सारी समरी, सारी डिटेल्स पहुँचा दूंगा। आइए बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 1 से 5 तक अपन ने पढ़ा था कि किस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलोगे। फिर पार्ट 5 में पढ़ा था किस तरह से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को असरेटिव में बदला जाता है। जिन दोस्तों को देरी से जुड़े हैं, उनको फिर बता देता हूँ, असरेटिव का मतलब अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यानी असरेटिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के पैटर्न्स रखे जा सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में कभी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। आइए जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो जरा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो आपको बिल्कुल किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और कहाँ शरारत कर रहे हैं। आपको शरारत करते हुए देखकर किसी बूढ़े आदमी ने पूछ लिया तुमसे, आर यू ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। यानी वो क्या कहना चाहता है, मुझे तुम्हारे लक्षण देखकर तुम विद्यार्थी नहीं लगते, यही कहना चाह रहा है ना। उसने सवाल पूछा, आर यू ए स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो यार। यानी वो क्या कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली, तुम एक स्टूडेंट नहीं हो। यहाँ से ये बात निकल कर आई कि अगर आपका इंटरोगेटिव है, उसमें अगर नेगेटिव वर्ड से नहीं हो, तो इधर आपको नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर आपका इधर नेगेटिव वर्ड है इंटरोगेटिव में, तो फिर इधर आपका नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं हो पाएगा। यही कहना चाह रहा हूं मैं। इसने कहा, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। यानी वो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। क्या कहना चाह रहा है कि तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। बहुत सिंपल है, बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, डू यू लव मी, अरे ऐसा व्यवहार किया तुमने मेरे साथ, तुम मुझे प्यार करते हो। यानी वो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, तुम मुझसे प्यारे नहीं करते हो। क्या कहना चाह रहा है वो, यू डू का कर दीजिए डोंट, यू डोंट लव मी। नेक्स्ट देखिए, कैन द डीफ हियर, क्या बहरा भी सुन सकता है। यानी क्या कहना चाह रहा है, बहरा नहीं सुन सकता है। लिख दीजिए जरा, द डीफ, कैन को कैंट में बदल दीजिए, द डीफ कैन नॉट हियर। वेरी नेक्स्ट, ये कह रहा है, कैन वी लिव विदाउट वाटर, क्या हम बिना पानी के भी रह सकते हैं। यानी क्या कहना चाह रहा है, सीधी सी बात है, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। लिख दीजिए जरा, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें दोस्तों। आ जाइए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहां मैंने कहा, हैव आई नो सिंपैथी फॉर हिम, क्या मुझे उससे कोई सहानुभूति नहीं है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं भी उसके लिए सहानुभूति रखता हूं। क्या कह दोगे जरा, आई हैव सिंपैथी फॉर हिम। फिर कह रहा है, एवरी वन लव हिज कंट्री, हर कोई अपने देश से प्यार करता है। आपको बनाना है इसका इंटरोगेटिव पर्सन वाचक, क्या बनाओगे, कौन अपने देश से प्यार करता है या कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है, अर्थ कौन से में से आएगा। देखो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उधर नेगेटिव बनाना पड़ेगा आपको। कौन अपने देश से प्यार करता है, इसका मतलब हो जाएगा कोई भी अपने देश से प्यार नहीं करता है। अपने को बनाना है कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है, क्या बना दोगे, कौन के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, हु, क्या जाएगा, हु डजंट लव ए हिज कंट्री। अच्छा, ये कह रहा है, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, हर कोई क्या होना चाहता है, सफल होना चाहता है। तो क्या लिख दोगे, सफल कौन नहीं होना चाहता, हु वॉन्ट्स से आया,
डू हु डोंट वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल. वेरी नेक्स्ट वर्ड नो बॉडी विल बिलीव सच ए लायर. कोई भी विश्वास नहीं करेगा भैया ऐसे झूठे आदमी पर. बना दीजिए इंटरोगेटिव, ऐसे झूठे आदमी पर कौन विश्वास करेगा. हु विल बिलीव सच ए लायर, क्या हो जाएगा आपका, हु विल बिलीव ए सच ए लायर. तो दोस्तों ये था आपका असरेटिव टू इंटरोगेटिव. देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सबसे सटीक सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको इंग्लिश के पेपर का एसटी ट्यूटोरियल्स पे. नहीं केवल इंग्लिश बल्कि मैथ्स का सॉल्यूशन.